हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे कभी बुखार नहीं आया हो। और जब हमें बुखार आता है तो सबसे पहले याद आती है थर्मामीटर की, क्योंकि ये थर्मामीटर हमें शरीर का तापमान बताता है। कोरोना महामारी के दौरान इस थर्मामीटर की जरूरत और महत्व दोनों बढ़ गया है, क्योंकि बुखार कोरोना का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो चलिए जानते हैं कि थर्मामीटर के प्रयोग का सही तरीका क्या है। थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, एक डिजिटल थर्मामीटर और दूसरा मरकरी या पारा वाला थर्मामीटर। आप किसी भी थर्मामीटर का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन उसका प्रयोग करने से पहले आप उसके अगले भाग को साफ पानी से धोएं या फिर साफ गीले कपड़े या रुई से पोंछ लें। डिजिटल थर्मामीटर के शेष भाग को पानी से बचा कर रखें, नहीं तो खराब हो जाएगा। अगर आप डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इस बटन को दबाकर इसे आप ऑन करें। डिजिटल थर्मामीटर को अपने मुंह में जीभ के नीचे लगभग एक मिनट के लिए रखें, या तब तक रखें जब तक उससे बीप की आवाज नहीं आए। आवाज आने के बाद ही आप अपने मुंह से थर्मामीटर निकालें। यहां आपको शरीर का तापमान दिखेगा। इसे आप अपने बांह के बगल में भी लगा सकते हैं और ठीक उसी तरह बीप की आवाज आने के बाद निकालकर तापमान देखें। ठीक इसी तरह मरकरी या पारे वाले थर्मामीटर को भी लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे इसे अपने दांतों से न दबाएं, नहीं तो थर्मामीटर टूट जाएगा और उसका पारा बच्चों के मुंह में चला जाएगा, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। एक से डेढ़ मिनट के बाद इसे निकालकर देखें। इसमें आपको ध्यान से पारा के स्तर को देखना होगा। एक सामान्य इंसान के मुंह से 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट तथा बांह के अंदर से 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट को सामान्य बुखार माना जाता है। शरीर के तापमान को लेने के बाद वापिस इसे ठीक से धोकर या पोंछ कर रखें। लगातार बुखार आने की स्थिति में अपने शरीर के तापमान को किसी कॉपी या कागज पर ठीक से लिख कर रखें तथा डॉक्टर से संपर्क करें।